हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके, मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 के जो क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट है ना, इसके बारे में। आज की डेट है 31/8/2023 और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे कहा गया निम्नलिखित कोणों में निम्न कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण के रूप में वर्गित कीजिए। क्लासीफाई ओनली इन एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। आप देखोगे 60 डिग्री जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। जब 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, इसी कोण को क्या बोला जाता है, एक्यूट यानी कि निम्न कोण। आप लिख लीजिएगा निम्न कोण। अब देखो 175, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, और जब ऐसा होगा तो इसे क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस बोला जाता है, यानी कि इसे बोला जाता है अधिक कोण। क्या बोला जाएगा, अधिक कोण। ये भी क्या है, नीचे वाला भी भैया ऑब्ट्यूस है, अधिक कोण है, इसमें आप लिख लीजिएगा, है ना। और इसके नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा और अधिक कोण हो जाएगा। जब दो राइट एंगल मिलेंगे, यानी एक राइट एंगल ऐसे और एक राइट एंगल ऐसे जब मिलेंगे, तो हमेशा क्या बनाते हैं, याद रखना, हमेशा बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। और स्ट्रेट एंगल को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, ऋजु। 125 भी क्या हो जाएगा, 125 भी आपका ऑब्ट्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, यानी कि अधिक कोण हो जाएगा। 210 क्या है, देखो 180 से बड़ा, 360 से छोटा है, ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। 210 क्या है, रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल को एक और नाम से जाना जाता है और वह नाम है इसका प्रतिवर्ती। क्या होता है, प्रतिवर्ती, ठीक। क्या कहा जाएगा, प्रतिवर्ती कहा जाएगा। इसके बाद ये देख रहे हो आप 185 जो है ये किससे, 90 से छोटा है, ये हो जाएगा एक्यूट। क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, यानी निम्न कोण हो जाएगा। इसी तरीके से 285 क्या हो जाएगा, तो याद रखना 285 क्या है, ये भी रिफ्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा, प्रतिवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती हो जाएगा, ठीक, प्रतिवर्ती हो जाएगा। अब नीचे वाला समकोण जो है, देखो ये अभी मैं ऊपर वाले से बता के आया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।